हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट में क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए? क्या आपके बारे में फील कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में, और आपसे क्या चाहते हैं? ठीक है, वो आपसे क्या चाहते हैं और नो कॉन्टैक्ट में क्या फील कर रहे हैं? जनरल रीडिंग होती है, आप रिलेट कर भी सकती है और नहीं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप रिलेट कर सकती हैं। स्नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? प्लीज हंड्रेड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में? उनकी क्या थिंकिंग चल रही है, क्या फील कर रहे हैं? सिक्स ऑफ सूट, किसी जगह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा फोकस है अपने वर्क एरिया पे, अपने काम की जगह पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। उनको ऐसा लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होना किसी किसी बहुत ज़्यादा एक एक खतरे से खाली नहीं है। बहुत ज़्यादा किसी आर्ग्यूमेंट को उनको फेस करना पड़ेगा आपके साथ कनेक्ट होने के बाद, जजमेंट। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर अगर कुछ भी उन्होंने पास्ट में आपसे कुछ भी हाइड किया था वो आपके सामने आ चुका है, ये डिवाइन का जजमेंट हुआ है। सिक्स ऑफ फैंट, आपको बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखना है। आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक स्टार की तरह दिख रहे हैं उनको। ठीक है, इस वक्त फोर ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन अभी आपको फेस नहीं कर पा रहे। ऐसा हो सकता है कुछ टाइम पहले आप लोग के बीच कुछ हुआ है, कोई ना कोई यहाँ पर सिचुएशन आपके सामने आई है जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है ये डिवाइन जजमेंट है। जो वो अब तक कर रहे थे उनको ये सब कुछ वो डिजर्व करते थे, इट मीन्स उनको ये एक ना एक दिन फेस करना था। आप किसी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में कोई सक्सेसफुल पार्टी मना रहे हैं, या तो कोई किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, या फैमिली मेंबर या कोई भी आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बहुत ज़्यादा एक इस टाइप से देख रहे हैं कि आपका आप बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी में है। आपकी आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मिंग है। आप अपनी लाइफ में किसी की चीज़ के लिए आप जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको बहुत आसानी से सक्सेस मिल रही है। आपको लोग पसंद कर रहे हैं, लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लोग आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। इट मीन्स लोगों को यहाँ पर होप नज़र आ रही है। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप एक स्टार की तरह हैं, या आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने कोई सक्सेस अपनी लाइफ में अचीव करी है, आप उसको बरकरार करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं और वो आपकी सक्सेस है। ठीक है, एक कंप्लीटली कोई ना कोई सक्सेस आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है। जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है इसको ऐसा लग रहा है आपके इर्द गिर्द तो इस तरीके से और भी लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कुछ कर भी नहीं रहे तो आप एक आपकी जो एक अपनी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर आप एक 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 इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप एक जो आपका खुद का इनर सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपकी कोई ब्यूटी में कोई एक चेंज करा है आपने, कुछ अपने पर अपना अपना वेट कम करा है, या तो वेट गेन करा है, कुछ ना कुछ चेंज आया है आपकी पर्सनल पर्सनालिटी में। ठीक है, जो आपका पर्सनल सेल्फ है बहुत ज़्यादा बदल रहा है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सूल, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सूल, वेट, हम डेक चेंज करेंगे। आई डोंट नो व्हाई लेकिन आई फील कि डेक चेंज करना चाहिए। ठीक है, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सोल। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त वो आपको फेस नहीं कर सकते, बिल्कुल वो डिफेंसिव हुए हैं आपकी तरफ। सेवन ऑफ वॉन्ड, आप उनसे कनेक्ट होने भी जाएंगे तो वो आपसे कनेक्शन को नहीं बनाएंगे, वो आपके साथ टेम्परेंस बैलेंस नहीं करना चाहेंगे इस वक्त। ठीक है, क्योंकि वो कन्फ्यूज हैं, वो क्लियर नहीं है। यहाँ पे दी चैरियट है और यहाँ पे है टेम्परेंस। उनको समझ में नहीं आ रहा उनको किस तरीके से आपसे बैलेंस करना चाहिए, इस सिचुएशन में किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, आपके साथ चीज़ों को आगे की तरफ फर्दर बढ़ाना चाहिए। उनको ये बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन है, कोई पर्सन है, कोई दो सिचुएशन है अपनी, इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू है, कुछ ना कुछ ऐसा है। ठीक है, क्लैरिफाई एट ऑफ पैंटिकल, क्लैरिफाई एट ऑफ पैंटिकल, आपसे डिफेंसिव हुए हैं, आपको फेस नहीं करना चाह रहे इस वक्त आपके साथ कनेक्शन को। उनको ऐसा लग रहा है ये टाइम नहीं है अभी आपसे कनेक्ट होने का। बिल्कुल, टू ऑफ कप्स, वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ भी वर्क करना चाहते हैं लेकिन अपना आपकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि उस कंफ्यूजन में वो फंसे हुए हैं। आपकी तरफ कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपना फोकस उन्होंने वर्क प्लेस
प्लेस बनाया हुआ है, अपना फोकस उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डाला हुआ है, उनको ऐसा लगता है, वरना वो आपके बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे और किसी चीज़ को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या इस सिचुएशन को लेकर, या आपके साथ जो भी उनकी चीज़ चल रही है वो कितनी सही है, ये पर्सन इस बात को जानता है इसलिए आपको फेस नहीं करना चाह रहा, ठीक है। क्लारिफाई जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट, क्लारिफाई जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड, क्लैरिटी है, यहाँ पे क्लैरिटी है, इस पर्सन को पता है सब कुछ, आपको ट्रुथ समझ में आ चुका है, आपको सच सब पता चल चुका है। थ्री ऑफ सोर्ड, ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने अपनी फैमिली का बहाना किया हो, जिसकी वजह से आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रोकन रहे, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते रहे, लेकिन ये उसकी वजह अपनी फैमिली बताता रहा, अपनी फैमिली की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता, या उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इस तरीके की है कि वो अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहती, कोई इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है इसकी, इसको ऐसा लगता है कि इसने हमेशा आपको एक कन्फ्यूजन में रखा, लेकिन वजह कुछ और थी, ठीक है। कोई किसी चीज़ की आपके पास क्लैरिटी मिल चुकी है, आपका जो हार्ट ब्रोकन था यहाँ पे, जो थर्ड पार्टी थी वो फैमिली के अलावा कोई और भी थी, ठीक है, कोई और पर्सन था, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम होता है, फैमिली को एक्सेप्ट करवाना, रिलेशनशिप को मनवाना, वहाँ पे मैरिज करना जहाँ आप चाहते हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लमिस्टिक रहता है, लेकिन इतना भी नहीं रहता जिसकी वजह से कोई अपसेट हो, किसी इसकी वजह से कोई डिप्रेशन में जाए, तो आपको कोई क्लैरिटी मिली है इस पर्सन की कि ये पास्ट में क्या एक राइट रीजन रहा है इस सिचुएशन को खराब करने का, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ हैंड, क्लैरिफाई सिक्स ऑफ हैंड, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। नाइट ऑफ सोर्ड, यहाँ पर आपको क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से, अगर ये नहीं दे सकता तो आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, अब आपको कंफ्यूज नहीं रहना, अब आपको किसी पांचवे छठे पर्सन की या चौथे पर्सन की बात नहीं सुननी है, किसी तीसरे पर्सन की वजह से इस सिचुएशन में डिस्टर्बनेस नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब करे आपके इस रिलेशनशिप को और आप अंदर से अपना पीस खत्म करें तो वो आप चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप चाहते हैं अगर 10,000 चॉइसेस हैं तो चूज करो कि यहाँ पर चाहते क्या हो, उस चीज़ को आके बोलो, एक्सेप्ट करो, आके बात करो, कम्युनिकेट करो, चाहे लड़ाई हो कुछ भी हो, फेस करो उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं ये पर्सन इस नो कांटेक्ट में आपसे क्या चाहता है, इसकी नो कांटेक्ट में आपके लिए फीलिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी, अब देखते हैं ये आपसे चाहता क्या है सिचुएशन में, इसका ये क्या चाह रहा है आपसे, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए इस नो कांटेक्ट में, ठीक है। ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस सिचुएशन में ये करें। सेवन ऑफ कप्स, दी स्टार, इसको ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हैं और आप हील नहीं हैं, आपको खुद को अपनी कंफ्यूजन से निकालना चाहिए और खुद को हील करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन को अगर आगे बढ़ाना है तो खुद की हीलिंग की नीड है आपको। नाइन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर है टेम्परेंस, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पर टेम्परेंस, इट मीन्स बैलेंस लाने की कोशिश करें, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर, इट मीन्स इस रिलेशनशिप को आप बनाने की कोशिश करें। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग करें और अपनी मेच्योरिटी से सोचें समझें, वो पर्सन चाहता है आप डिसीजन मेकिंग करें और इस सिचुएशन के बारे में दोबारा सोचें, आपको दोबारा से सोचना चाहिए, ये पर्सन चाहता है एक बार आप फिर से सोचें इस सिचुएशन के बारे में और अपनी कंफ्यूजन से बाहर आएं, जो आपने बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट सा बिहेवियर अपने पार्टनर को दिखा दिया, एक जैसे आप सिंगल हो चुके हैं, आपने इस चीज़ को इस पर्सन को शो कर दिया है, तो ये पर्सन चाहता है नहीं, आपको एक बार फिर से सोचना चाहिए इस सिचुएशन पे, अपने इस डिसीजन मेकिंग के बारे में फिर से दोबारा आप दोबारा सोचें कि यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। सेवन ऑफ कप्स ये चाहता है अपनी कन्फ्यूजन, अपने अपने जो आपके माइंड में चल रही है खिचड़ी, आप उससे बाहर आएं, आप इस अपने आप को हील करें, सिचुएशन को हील करें और आप जो एक इंडिपेंडेंट होने और एक सिंगल के साथ साथ आप एक इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन खुद को सिंगल क्यों फील कर रहे हैं, इस पर्सन को प्रॉब्लम है, इस अपने आप को बैलेंस करें, हील करें और सिचुएशन में इस पर्सन के साथ भी बैलेंस लाने की कोशिश करें, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई
क्लारिफाई सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लारिफाई सेवन ऑफ कप्स, हाँ टेन ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने जबरदस्ती एक अपनी लाइफ में इससे दूर होने के लिए ऑप्शंस को ओपन करा है, इससे वॉक अवे आपने जबरदस्ती कर रहे हैं, आप ये खुद से चाहते नहीं है। आपको ऐसा ये पर्सन को लग रहा है, क्या ये चाहता है कि आप ये बर्डन सम सिचुएशन को खत्म करें और आप जहाँ जिस तरफ भी मूव कर रहे हैं तो आप आगे की तरफ मत बढ़ें, दोबारा इस सिचुएशन को सोचें, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने जो अपनी लाइफ में ऑप्शंस ओपन करे उनसे खुश आप भी नहीं है, आपके लिए एक वो बर्डन सम सिचुएशन की तरह है। आपका इस सिचुएशन से जाना, वॉक अवे करना, इस पर्सन से दूर होते चले जाना एक बर्डन है आपके ऊपर। इस पर्सन को ये बात, ये पर्सन चाहता है कि आप इस बर्डन को खत्म करें, अपने ऑप्शंस, अपनी कंफ्यूजन से बाहर आएं। इस कंफ्यूजन को लेकर आप भी खुद को, अपने आप को एक मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। एक इस बर्डन को लेकर आपने खुद को मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। इस सिचुएशन में आप रहना चाहते हैं, उसके बावजूद आपने खुद को यहाँ पर डिटैच और आगे बढ़ने की सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट किया है। आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस सब चीज़ों को ख़त्म करें, जो भी जिस भी तरीके से आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं वो सिचुएशन ख़त्म करें। आपने जो अपने ऑप्शंस ओपन कर लिए हैं उसको ख़त्म करें, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप तकलीफ में हैं, आप पेन में हैं, आप ये सब कुछ बहुत ज़्यादा जानबूझ कर कर रहे हैं, कोई खुशी से नहीं कर रहे, आप यहाँ से खुशी से नहीं जा रहे। क्लैरिफाई स्टार, किंग ऑफ पैंटिकल एंड फूल, न्यू बिगनिंग। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक अपना ईगो शो कर रहे हैं इस पर्सन को, जो आपने कभी नहीं किया। आगे बढ़ने के लिए आप बहुत चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर आपने कोई बर्डन सम सिचुएशन बना ली है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपने आपने ना चाहते हुए भी कोई ऐसा बर्डन अपने ऊपर ले लिया है, जिस तरीके के आप थे नहीं, आप उस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। आप इट मीन बहुत ज़्यादा आप ईगोइस्टिक, एरोगेंट हो चुके हैं। एक इस तरीके का पर्सन जो रिजिड रिजिड, इट मीन्स एक मैस्कुलाइन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हुई है। आप यहाँ पर डोमिनेट करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपना ईगो शो कर रहे हैं इस पर्सन को, जो कि आपने कभी नहीं किया। फोर ऑफ सोर्ड, इस पर्सन को अंदर से यही आवाज़ है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन आपको कहना चाहता है इस चीज़ को, यहाँ पर ही स्टेबिलिटी आ सकती है। आप यहाँ पर आप आगे की तरफ मूव करने की बजाय वापस इस सिचुएशन के बारे में दोबारा से सोचें। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। ये चाहता है ये पर्सन कि आपसे, कि आप एक इमोशनल पर्सन की तरह, और इस पर्सन का थोड़ा सा वेट करें और अपना थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें, इस पर्सन का थोड़ा वेट करें आप, और इमोशनल इस पर्सन के बारे में सोचें, इमोशनल वे में सोचें। जो आपने इमोशनली खुद को डिटैच कर लिया है इससे, तो आप उन सब चीज़ों को छोड़ें, एक इमोशनल वे में इस पर्सन के बारे में सोचें। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत हो जाएं, इतना अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में मत जाएं, जो आप नहीं कर सकते वो मत करें। इतनी आप उनको ऐसा लगता है कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं तो आप इमोशनली डील करें, आप प्रैक्टिकली डील मत करें सिचुएशन को, जैसे कि आप करते आ रहे थे। क्लैरिफाई टेम्परेंस, थ्री ऑफ फैन। यहाँ पर क्लियरली इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के मुताबिक कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अपनी विशेष को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। अगर मैरिज चाह रहे थे तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आप मैरिज का डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप डिसीजन लेने वाले हैं अपनी मैरिज के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेबल पर्सन के लिए और स्टेबल फैमिली के लिए। आप अपनी लाइफ में कोई सोलमेट की तलाश में हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो आपको खुश रख सके, जिसके साथ आपका ये एक थ्री ऑफ कप्स, इट मीन्स एक रिकन्साइलेशन, आप उसके साथ एक एक्सपीरियंस करें, उसके साथ एक एंजॉय, लव, थ्रिल एक लाइफ में जो होती है, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें इस पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पर थ्री ऑफ फैंस एंड दे हर्मिट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है। ये पर्सन चाहता है आप दोबारा सोचें सिचुएशन के बारे में, सब्र से, तहमुल से खुद को हील कर कर, एक इमोशनल अपनी साइड को एक्टिव कर कर, ना कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड के बारे में सोचें, ईगो को साइड में रखें। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने कभी ईगो शो नहीं करा, लेकिन अब इस वक्त आपके अंदर एक ईगो है, प्राइड है, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह, सक्सेसफुल पार्टनर की तरह ही आपको देख रहा है, लेकिन आपके अंदर एक ईगो को ये महसूस कर पा रहा है। आपका ईगो आ चुका है अब आपके अंदर, आप चेंज हो चुके हैं,
आप क्यों बदल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी क्यों एक्टिव हुई हुई है, आप फेमिनाइन एनर्जी में क्यों नहीं है, आपको अपनी ये पर्सन चाहता है, आप अपनी इमोशनली साइड, अपनी फेमिनाइन साइड से डील करें इस रिलेशनशिप को, उससे सोचें। यहाँ पर एक बार फिर से आपको सोचना चाहिए सिचुएशन के बारे में, क्योंकि आपके लिए एक लाइफ टाइम डिसीजन मेकिंग होगा जो आपके लिए बर्डन सम बन के रह जाएगा। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप ना चाहते हुए ये सब चीज़ें कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस पर्सन ने उस टाइम आपको अप्रोच नहीं करा, उस टाइम आपको वो ऑफर नहीं दी जो आप एक्सपेक्ट करते थे। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यही तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको जानकारी अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।